नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेनेटिक्स से रिलेटेड एक समस्या की, और वो समस्या क्या है, उस समस्या को पहले समझे और उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रश्न है कि एक मनुष्य जिसका रक्त समूह ए है, जिसका विवाह बी रक्त समूह की स्त्री से होता है, इनसे उत्पन्न संतति में ए बी रक्त समूह वाला पुत्र तथा ओ रक्त समूह वाली पुत्री होती है। क्रास के द्वारा वंशागतिकी की संभाविता को बताइए। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं और जानते हैं कि हमारे पास दिया हुआ क्या है। हमारे प्रश्न में छिपा हुआ है एक पुरुष जिसका ब्लड ग्रुप ए है, जिसका विवाह जिस महिला के साथ होता है उस महिला का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है। वहीं पर अगर हम बात करें, प्रश्न में ही दिया हुआ है कि इनसे जो उत्पन्न होने वाली संतान है, इनमें से जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वहां पुत्र का ब्लड ग्रुप ए बी है। वहीं पर जो पुत्री उत्पन्न हुई है उस पुत्री का जो ब्लड ग्रुप है वह ओ है। इस प्रश्न को हल करने से पहले हमको बहुविकल्पिता को समझना पड़ेगा, सहप्रभाविता को समझना पड़ेगा, एलिल्स को समझना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ए बी और रक्त समूह में बहुविकल्पिता का गुण पाया जाता है, बहुविकल्पिता पाई जाती है, अर्थात इस रक्त समूह वाले व्यक्तियों में एक से अधिक एलील पाए जाते हैं और यही एलील्स एक दूसरे पर डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं। अगर हम बात करें तो यहां पर पाए जाने वाले एलील्स की, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई ए के द्वारा, आई बी के द्वारा, आई ओ, या इसको आई जीरो भी कह सकते हैं आप, या स्मॉल आई के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों, होता यह है कि जब आई ए आई ओ या आई जीरो के साथ होता है तब ऐसी अवस्था में आई ए आई जीरो पर डोमिनेट होता है, अर्थात यहां पर अपना जो प्रभाव है वो कौन सा दिखा पाएगा, आई ए अपना प्रभाव दिखा पाता है। वहीं पर जब आई बी और आई जीरो या आई ओ सब साथ साथ होते हैं तब ऐसी अवस्था में आई बी जो है वो अपना प्रभाव दिखा पाता है। लेकिन यहां पर ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि जब आई ए और आई बी दोनों साथ साथ होते हैं तो दोनों अपना प्रभाव साथ साथ दिखा पाते हैं, अर्थात इनमें सहप्रभाविता का गुण पाया जाता है। चलिए, इस आधार पर हम इस प्रश्न को हल करें। हमने क्या चीज देखी भाई, हमने चीज जो देखी है वो देखी ये है कि जो पुरुष है जिसका जीनोटाइप क्या है, आई ए आई जीरो, वहीं पर अगर आप जिस महिला की बात करते हैं, महिला का जीनोटाइप क्या होगा भाई, महिला का जीनोटाइप होगा आई बी आई जीरो। भाई जब इसके गैमेट्स की बात करें, कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे, तो जो पुरुष है उससे जो गैमेट्स बनेंगे वो आई ए एलील वाला होगा, वहीं पर आई जीरो या आई ओ वाला होगा। वहीं पर महिला से जो गैमेट्स बनेंगे, ओम जो बनेंगे वो कौन से होंगे, आई बी, और यहां पर हम इसको नाम दे दे रहे हैं आई जीरो। अब इसी को हम क्या काम करते हैं, चेकर बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। हम एक तरफ महिला को ले लेते हैं, एक तरफ हम पुरुष को ले लेते हैं। यहां पर हम लिया आई बी, यहां पर हमने लिया है आई जीरो, वहीं एक तरफ हमने जिस पुरुष है उसके गैमेट्स को ले ले रहे हैं आई ए, और यहां पर हमने लिया है आई जीरो या आई ओ। अगर हम इनसे बनने वाली संतान की बात करें, आई ए और आई बी एलिल्स आपस में जब मिलेंगे तो यहां पर जो संतान बनेगी वो कौन से ब्लड ग्रुप वाली होगी, ए बी वाली होगी। वहीं पर आई ए और आई ओ या आई जीरो जब आपस में मिलेंगे तब यहां पर जो बनने वाली जो संतान है वो संतान कैसी होगी, क्योंकि आई ए डोमिनेंट है इस कारण से यहां पर ये अपना प्रभाव दिखा पाएगा और यहां पर जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो ए बनेगा। वहीं पर देखें आई बी और यहां पर हम बात कर रहे हैं आई ओ की, तो यहां पर बी डोमिनेंट है इस कारण से ये अपना प्रभाव दिखाएगा, ब्लड ग्रुप बी बनेगा। वहीं पर चूंकि यहां पर आई जीरो और यहां पर भी आई जीरो या आई
ओ है, दोनों साथ साथ हैं, तो ऐसी अवस्था में यहां पर जो ब्लड ग्रुप बनेगा ये ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा मनुष्य जिसका रक्त समूह ए है और उसका विवाह बी रक्त समूह की स्त्री से होता है तथा उनमें से उत्पन्न एक पुत्र का रक्त समूह ए बी तथा पुत्री का रक्त समूह ओ होता है, उनसे उत्पन्न होने वाले संतान की वंशानुगति की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनसे उत्पन्न होने वाले जो पुत्र हैं वो ए ब्लड ग्रुप वाला भी हो, संतान जो है वो ए ब्लड ग्रुप वाला भी हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाले भी हो सकते हैं, ए बी वाला भी हो सकता है और ओ बी सॉरी ओ वाला भी हो सकता है। तो सारी की सारी संभावना खुली हुई है दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि यह प्रश्न जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक नए जेनेटिक प्रॉब्लम के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।